गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज फिर क्लास 9 के लिए कुछ मैथमेटिक्स अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जो स्कूल्स बंद है, ट्यूशन बंद है, देहाती क्षेत्र में जो लोग हैं उनको तो बहुत प्रॉब्लम है। फ्लड भी है, नेटवर्किंग भी नहीं है, कोरोना भी है, सारा प्रॉब्लम एक ही बार आया है। जो इस बार 8 से 9 में गए हैं उनको तो अभी स्कूल का दर्शन नहीं हुआ होगा, जो 9 से 10 में गए हैं उनको भी स्कूल का दर्शन नहीं हुआ। जाने दीजिए, इससे पहले पॉलीनोमियल्स के बारे में हमने बताया था, क्लास 10 में भी क्लास 9 में भी कुछ चैप्टर का सवाल बचा हुआ है, कुछ सवाल बताया था, कुछ सवाल आप लोगों पे छोड़ा था कि शायद आप बताएं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का 2 बताया था, 1 भी शायद बताया था, ये 3, 4, 5 ये बचा हुआ है, बहुत हल्का है इसलिए आप लोगों के लिए छोड़ दिया। आज एक्सरसाइज नंबर 2.2 बताते हैं। अगर आपको इससे पहले वाले में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको हल करके आप तक फिर पहुंचाऊंगा। शर्त यह है कि जानना चाहे तो, नहीं जानना चाहे तो फिर जहां है वहीं मजा लेते रहें। कोरोना का और फ्लड का ये देखिए, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला क्वेश्चन ये क्या कहता है। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला क्वेश्चन कहता क्या है, ये एनसीईआरटी किताब से बुक से बताते हैं, आपके पास भी बुक होगा। ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल्स। उसने इक्वेशन दे रखा है एक 5x² देखिए, सॉरी 5x माइनस 4x² और प्लस 3। अब कहता है कि एट x बराबर 0, ये पहला क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालना है। जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पॉलीनोमियल इक्वेशन है, इसका फॉर्मेट इसने बदल दिया है। आप चाहें तो फॉर्मेट अरेंज कर सकते हैं, नहीं चाहें तो इसी फॉर्मेट में इसको रहने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहता है कि x बराबर अगर 0 होगा तो इसका क्या वैल्यू होगा। पहले पॉलीनोमियल को समझें आप, पॉलीनोमियल को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं पी इंटू एक्स से। ये बराबर दिया हुआ है 5x माइनस 4x² प्लस 3। अगर इसको अरेंज करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर को रखते हैं तब भी बनेगा, न भी रखते हैं इसी फॉर्मेट में अगर लेते हैं तब भी बनेगा। तो ये पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3 है, ठीक। अब ये कहता है कि अगर एट x बराबर अगर 0 कर दें तब इनका क्या वैल्यू होगा। एक्स बराबर अगर आप 0 करते हैं, ऐसे देखिए, एक्स बराबर अगर 0 करते हैं आप तो इसका मतलब हुआ, ऊपर चलिए, सवाल आपको लिखा हुआ है, ऐसे आइए। अगर एक्स बराबर 0 करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि एक्स का वैल्यू पी की जगह एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो बराबर क्या होगा, 5 इंटू एक्स का वैल्यू 0 माइनस 4 इंटू एक्स का जहाँ भी वैल्यू हो 0 रखें प्लस 3 करें। इसका मतलब हुआ कि 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0, ये कितना होगा प्लस 3, 0 में से 0 जाएगा कुछ नहीं, ये आपको 3। यही इनका पॉलीनोमियल जो है पी एक्स बराबर 3 होगा एट एक्स पर, इस इक्वेशन में ये 3 होगा, यही आपका जवाब होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यही एक ही इक्वेशन है पॉलीनोमियल इक्वेशन। कैसे है वो आप समझ सकते हैं, हमने बताया था कि जिनके मैक्सिमम डिग्री, जिनके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो वो आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहलाता है। पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहलाता है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ठीक। आगे इससे पहले वाले वीडियो में सारी बात दे रखा है, उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप देख लेंगे। इसमें क्या कहता है, इक्वेशन वही है 5x माइनस 4x² प्लस 3। इनमें कहता है कि x बराबर माइनस 1, इससे पहले वाले सवाल में x बराबर 0 था, इसमें x बराबर माइनस 1 है। पॉलीनोमियल इक्वेशन लिखने का तरीका कि पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x² और प्लस 3। अगर ये पोर्शन 0 होगा तो ये पोर्शन भी बराबर हो जाएगा 0 के। अब कहता है कि एट x बराबर सवाल में दे रखा है माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें x की जगह पे माइनस 1 पुट कर दीजिए इस तरह से, और सब में x की जगह पे माइनस 1 पुट कर दीजिए, माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 3, ऐसे लिख डालिए आप, लिख दिया। अब आइए नीचे,
अब ये देखिए माइनस वन तो एज इट इज रहेगा, पाँच को माइनस वन से गुना करेंगे तो माइनस फाइव, अब यहाँ आए माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो दो बार माइनस को गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, वो प्लस या फिर माइनस ही रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा चार, ये प्लस कितना हो जाएगा थ्री, अब ये माइनस पाँच या माइनस चार ये हो जाएगा माइनस नौ, ये हो जाएगा थ्री, इसका मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस सिक्स। अगर इसको समझने में दिक्कत हो तो फिर बोलो क्या समझने में दिक्कत हुआ, ठीक है। इनका जो है जब x बराबर माइनस वन रखेंगे तो ये पॉलीनोमियल इक्वेशन का वैल्यू जो आएगा, ये सॉल्यूशन कर लीजिए, ये जो वैल्यू जो आएगा ना ये माइनस सिक्स होगा और यही इनका आपका जवाब होगा। सवाल नंबर तीन देखिए, सवाल नंबर तीन देखिए, वही पॉलीनोमियल डाला हुआ है फाइव एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, इनका x बराबर कहता है टू, यानी कि p इंटू एक्स दिया हुआ है फाइव एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री, ये आपके सामने दिया हुआ है, या x का वैल्यू दो इनपुट करना है तो पॉलीनोमियल में दो इनपुट कर दीजिए, बराबर पूरे वेरिएबल में वैल्यू दो पुट कर दीजिए, माइनस फोर इंटू कितना टू का स्क्वायर और प्लस थ्री, इनको हल कर दीजिए, पाँच दूना दस माइनस दो का स्क्वायर चार, चार को चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोलह, अब प्लस कितना होगा थ्री, या देखिए प्लस टेन है माइनस छः है, सॉरी माइनस सोलह है तो माइनस सिक्स, ये प्लस सिक्स सॉरी प्लस थ्री, तो माइनस सिक्स में से प्लस थ्री जाएगा तो ये बच जाएगा माइनस थ्री, यही इनका जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस थ्री इनका जवाब हो जाएगा। तीन क्वेश्चन हमने आपको बताया, इसके अलावा और भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर सॉरी एक्सरसाइज नंबर 2.1 का दो क्वेश्चन, एक सीरियल नंबर एक का तीन क्वेश्चन था वो बता दिया, दूसरा क्वेश्चन उसी स्टाइल का है, अब बना लेंगे, अगर बनाने में दिक्कत होगा तो फिर हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको हल करके आप तक पहुंचाऊंगा, ये सीरियल सारा बनाऊंगा। शर्त ये है कि आप वीडियो देखें तो आप ऐसे घूमते रहेंगे कि स्कूल बंद है तो कोई काम नहीं है, तो फिर बंद ही रखें आप और ऐसे ही घूमते रहें। अभी कोरोना का पीरियड है और प्लस ऊपर से फ्लड है, पता नहीं आप किस हाल में होंगे, पानी के ऊपर होंगे कि पानी के धरती पे होंगे, ये पता नहीं। हमको तो ये भी डर लगता है कि दो तीन स्टेट का आदमी, चाहे बिहार हो, उड़ीसा हो, इधर झारखंड हो, इधर उत्तर प्रदेश हो, ज़्यादातर आदमी रोडे पे है, फोर लेन रोड पे बसा हुआ है, क्या करे, मजबूरी है उनके साथ, जीने के लिए धरती चाहिए और धरती अभी बचा हुआ है फोर लेन, इसलिए अगर आप फोर लेन पे हैं तो नो प्रॉब्लम, हम आपके इसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जिस प्रॉब्लम में हैं वो जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम भगवान हल करे, लेकिन अब तो भगवान के पास भी टाइम नहीं है हल करने का, हल तो आप ही को करना है, इसलिए तीन सवाल का ये वीडियो बना के आप तक डाल रहा हूँ। बेकारी में कुछ सीखें, ज्ञान लें, ये फ्री में ज्ञान है, अभी समझाते हैं, समझ जाइए, वरना अगर समय समझा दिया आपको ना तो उस समय फिर आप समझ के भी ना समझ हो जाएंगे, इसलिए समय आपके पास है, समझिए, और नहीं तो एक समय आएगा कि समय ही आपको समझा देगा, फिर उस समय जब अभी के समय को याद कीजिएगा तो फिर बहुत पछतावा होगा, इसलिए फ्री में आप तक वीडियो भेज रहे हैं, इसको देखिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, कोरोना से बचें, अपने भी बचें, परिवार को बचाएं, समाज को बचाएं, फिर हम सबका ये भारत देश बचेगा। मैं भी भारत का ही निवासी हूँ और भारत के किसी राज्य का निवासी हूँ, वहीं से वीडियो बना के कंटिन्यूसली कोरोना पीरियड में भी हम आप तक पहुँचाते हैं, इसलिए समय से समझौता कीजिए और समय बलवान होता है, समय का इज्जत कीजिए, समय आपकी इज्जत करेगा, अगर समय की इज्जत आप नहीं करेंगे तो समय आपकी इज्जत नहीं करेगा, इसलिए अभी समय है आपके पास सीखने का, जानने का, इसलिए आप जान जाइए, सीख जाइए, अगर नहीं सीखे तो समय आपको सिखा देगा, फिर उस समय सिवाय रोने के दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलिए थैंक यू वेरी मच, ये 10 मिनट का वीडियो हुआ, इसको वॉच करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।